लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसेरी खादर तथा मुंडाखेड़ा खुर्द में शांति समिति की पुलिस ने ली बैठक। इस बैठक में काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वहीं अपनी टीम के साथ पहुंचे दरोगा संजय रावत ने लोगों से अपील की है कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार में रंग बिरंगा रंग डालकर होली को मनाया जाता है। इस समय हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे समुदाय को रंग ना डाले, क्योंकि भाईचारे का त्यौहार है। त्यौहार यह नहीं सिखाता कि किसी को जबरदस्ती करे, इसलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता अमन और सब उनके साथ इस त्यौहार को मनाए। आपको बताते चले, लक्सर कोतवाली पुलिस पूरी सक्रिय तथा तत्पर है। वहीं दरोगा संजय रावत ने सबसे अपील की है कि भाईचारा कायम रखे और किसी किस्म की भी लड़ाई दंगा ना हो। अगर कोई शरारती तत्व शरारत करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर लक्सर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी द्वारा बसेरी खादर में की गई एक शांति समिति की बैठक, जिसमें बसेरी खादर के सैकड़ों लोग शामिल रहे। लक्सर कोतवाली प्रभारी ने सभी को समझाया कि होली का त्योहार है और सब आज मुंडाखेड़ा खुर्द में शांति समिति की बैठक थी होली को लेकर के, तो इसमें क्या मामला है, किस तरह उच्च उच्च अधिकारी जोड़ोगे आदेश और निर्देशों के अनुसार होली के संबंध में आज ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द में ग्रामवासियों की बैठक ली गई। होली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनके दिए गए, उनकी समस्या उनसे पूछी गई। सभी को होली की का त्यौहार आराम से बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ मनाने के दिशा निर्देश लोगों को दिए गए। सबने इसे सहज स्वीकार किया है। स्कूल में भी बछड़ी गांव से कोई शिकायत नहीं मिली थी और शांतिप्रिय गांव है, लेकिन हमारा काम है पत्र लोगों को आगाह करना और हमने आज बताया लोगों को शांति से होली मनाएं, प्यार से मनाएं। किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो हमें बताएं, अपने आप लड़ाई न लड़े, शराब का सेवन न करें। गाँव है हमारा और हमारे गाँव में 70 साल से ये रिकॉर्ड रहा है लगभग प्रधान इस्लाम जी के नेतृत्व में। अब तक हमारे गांव में कोई भी दंगे नहीं हुए और होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं आशा करता हूं अपने सभी ग्रामवासियों से कि होली का पर्व हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठा जैसे पहले से मनाते हैं ऐसे ही मनाते रहे और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।